सबसे पहले आप सभी को नमस्कार भाइयों, मेरा नाम समीर है और आज हम थोड़ा बात करेंगे टाइप ऑफ हजार्ड के बारे में। टाइप ऑफ हजार्ड क्या होता है और हजार्ड कहते किसे हैं। टाइप ऑफ हजार्ड की बात करें तो हजार्ड का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है कंपनी में, क्योंकि रिस्क को मैनेज करने के लिए किसी भी इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना पहला काम होता है। रिस्क को सही से मैनेज करने के लिए हजार्ड्स को सही से समझना जरूरी होता है कि इसलिए दोस्तों टाइप ऑफ हजार्ड्स के बारे में जानने से पहले हमको हजार्ड क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको हजार्ड के डिफिनेशन को बता दूं। तो अ हजार्ड इज अ सोर्स और अ सिचुएशन विद द पोटेंशियल फॉर हार्म इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन इंजरी और इल हेल्थ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू द एनवायरनमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इसको जो है कि अगर हिंदी में बात करें तो हजार्ड एक सोर्स है, हजार्ड एक सोर्स है, सिचुएशन या ऐसे एक्ट को कहा जाता है जो किसी को चोट या कोई बीमारी के रूप में नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जिसमें हानि पहुंचाने की क्षमता है या हानि पहुंचाने की क्षमता हो उसे हजार्ड कहा जाता है। अब जो है कि हम बात करते हैं टाइप ऑफ हजार्ड की, तो अमूमन जो है कि हर जगह पांच ही इसका क्लासिफाइड किया गया है, पांच ही बताया जाता है। पहला है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड वैसे खतरे होते हैं जो अपनी भौतिक विशेषताओं के कारण नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये वैसे हजार्ड्स होते हैं जो किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिजिकल हजार्ड हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन साइट पर या हर कंपनी में या ऑफिस में पाए जाते हैं। इसका थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं। इसका जो है कि एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाइब्रेशन हो गया, नॉइज हो गया, हीट हो गया, रेडिएशन, मूविंग मशीनरी पार्ट्स हो गया, स्लिप ट्रिप हजार्ड, ये सब जो है कि फिजिकल हजार्ड का ये एग्जांपल है। अब बात करते हैं केमिकल हजार्ड का। केमिकल हजार्ड वैसे खतरे होते हैं जो अपनी रासायनिक विशेषताओं के कारण नुकसान पहुंचा सकती हैं। केमिकल हजार्ड में हेल्थ को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। घर और वर्क प्लेस दोनों जगहों रसायनों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रसायनों के संपर्क में आने से गंभीर लॉन्ग टर्म हानिकारक और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो कंपनी में जो है कि बहुत से इसका केमिकल का उपयोग किया जाता है, जैसे पेंट ऑन्ट हो गया तो, और एसिड हो गया, सिलिका हो गया, सीमेंट डस्ट हो गया, ये सभी जो है कि केमिकल हजार्ड का एग्जांपल है। तो हमें जो है कि ये याद रखना चाहिए, ये सभी जो है कि केमिकल हजार्ड में आते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड का। बायोलॉजिकल हजार्ड उन जीवित सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है जो बीमारी और खराब स्वास्थ्य का कारण बनते हैं। ये रोग पैदा करने वाले जो अलग अलग रूट ऑफ एक्सपोजर के माध्यम से व्यक्तियों में फैल सकते हैं। इन खतरों के संपर्क में आने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, रेबीज वायरस हो गया जो कि कुत्ते होते कोई जानवर उनवर काटने से यह होता है, कोरोना वायरस हो गया जो कि हम लोग देखे थे कि कोरोना वायरस के चलते किसी को अगर एक आदमी को हो जाता था तो उसके लिए कितना हॉस्पिटल में जाओ, क्वारंटाइज 15-20 दिन रहना पड़ता था। तो ये सभी बीमारी जो है कि एक दूसरे से जो फैलता है वो सब जो है कि बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है। अब बात करते हैं एर्गोनॉमिक हजार्ड की। एर्गोनॉमिक हजार्ड क्या होता है? एर्गोनॉमिक हजार्ड वो हजार्ड होता है जो गलत तरीके से बॉडी के पोस्चर और मोमेंट के माध्यम से जो शरीर पर तनाव और खिंचाव पड़ता है। ये एक ऐसा शारीरिक स्थिति है जो खराब एर्गोनॉमी के कारण मस्कुलेट सिस्टम में दर्द या चोट लगने का खतरा पैदा करता है। तो इसका अगर हम इसका एग्जांपल ले तो बॉक्सों को बार बार, कोई बॉक्स हो गया या कोई मटेरियल हो गया उसको बार बार उठाकर एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, तो इसे क्या होता है कोहनी में भी सूजन आ सकता है।
तो या फिर कंप्यूटर पर काम करते समय सही से न बैठने से पीठ या गर्दन में दर्द या अकड़न हो सकता है, तो ये सब जो है कि एर्गोनॉमिक हजार्ड है। अब बात करते हैं लास्ट साइलोजिकल हजार्ड के बारे में। साइलोजिकल हजार्ड वो हजार्ड होते हैं या वो खतरे होते हैं जो जिनमें शरीर के बजाय मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। ये वैसे खतरे होते हैं जो मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, यानी कि यह किसी के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका हम अगर एग्जाम्पल लें तो इसका जो एग्जाम्पल है साइलोजिकल हजार्ड का, लड़ाई और झगड़े, काम का अधिक दबाव, उत्पीड़न, जॉब में असुरक्षा, दर्दनाक घटनाएं, और भी बहुत तरह का इसमें जो है कि बहुत तरह का इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि बहुत से इंजीनियर हो गए, फोरमैन हो गए, एक दूसरे को क्या है कि डांटने लगते हैं, बोलते हैं, आदमी उससे भी दबाव में पड़ जाता है और जो है कि दुर्घटना हो जाती है। तो हमें ये सब जो है टाइप ऑफ हजार्ड याद रखना चाहिए। इसका हम थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं। अगर इसका हम कंक्लूजन करें तो अब आपको कुछ मतलब बातें समझना जरूरी है। जैसे कि किसी साइट की सड़क पर घूमती हुई लॉरी एक फिजिकल हजार्ड है, क्योंकि यह किसी कर्मचारी को कुचल सकती है। वही सोडियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल हजार्ड है, क्योंकि यह एक अत्यधिक क्षारीय केमिकल है जो कुछ भी हो जला सकती है। ध्यान दे कि हजार्ड वो चीज है जो नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि किसी ऑफिस स्टाफ को बिजली के किसी उपकरण से बिजली का झटका लगता है जिसका तार क्षतिग्रस्त है, तो खतरा बिजली से है, क्षतिग्रस्त तार से नहीं। यह बिजली ही है जो नुकसान पहुंचाती है। यदि तार क्षतिग्रस्त नहीं होता तो खतरा अभी भी मौजूद होता, उपकरण अभी भी बिजली से चल रही है। इसलिए अगर इसे ठीक से नियंत्रित किया जाएगा तो बिजली का झटका नहीं लगेगा। तो इसलिए हर वो सोर्स जो आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर जो है कि एनवायरमेंटल को, या फिर कंपनी के जो प्रॉपर्टीज है उसको, तो हमें इन तीनों चीज़ों को, एक सेफ्टी पर्सन को इन तीनों चीज़ों को देखना पड़ता। हर कंपनी में थोड़ा बहुत पॉलिसी अलग अलग होता है। एक सेफ्टी ऑफिसर का जो जिम्मेदारी होता है वो अमूमन हर कंपनी में थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। लेकिन क्या है कि किसी भी सेफ्टी ऑफिसर हो चाहे सेफ्टी इंजीनियर हो, उसका मकसद यही होता है कि कंपनी का जो प्रॉपर्टीज है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, उसके बाद से है कि जो वहां का एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान ना पहुंचे, वहां पर जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनको भी किसी तरह का दिक्कत परेशानी ना हो, उनको भी जो, या फिर जो है कि कोई भी फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, ये जितने भी हजार्ड होते हैं इन सभी हजार्ड से सुरक्षा दिलाएं। तो हम जो है कि अलग अलग जो है कि पॉलिसी बनाते हैं, जैसे बनाते हैं जैसे में सब इंक्लूड करते हैं कि यहाँ यहाँ पर ये खतरे हैं, यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें ये खतरे हैं। जैसे हाइट पर काम हो रहा है तो फिजिकल हजार्ड हो सकता है, आदमी जो है कि ऊपर से गिर सकता है तो ये फिजिकल हजार्ड है। तो उसमें जो है कि क्या काम हो रहा है, जैसे इरेक्शन का काम हो रहा है तो हम मटेरियल को अमूमन ऊपर जो है कि इरेक्शन करते हैं, तो जो है कि मटेरियल भी गिर सकता है, आदमी भी गिर सकता है। अगर जो है कि वहाँ पर हाउस कीपिंग अगर सही नहीं है तो स्लिप ट्रिप भी एक फिजिकल हजार्ड है। तो ये जितने भी हजार्ड है, चाहे फिजिकल हजार्ड हो, चाहे केमिकल हजार्ड हो, चाहे इन्वायरमेंटल हजार्ड हो, चाहे साइलोजिकल हजार्ड हो, इन सभी हजार्ड को जो है कि हम इन सभी हजार्ड से कैसे वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनको भी सुरक्षित रखें, और जो है कि वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जो पेड़ पौधे, जानवर फानवर, उन सभी को भी नुकसान ना हो। उसके बाद से है कि कंपनी का जो जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि मशीनरी हो गया, बहुत से कंपनी का मशीनरी होता है, जैसे वेल्डिंग मशीन हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद से ले लें तो हाइड्रा क्रेन फ्रेन, बहुत से ऐसे मशीनरी होता है, उसको भी नुकसान ना हो इन सभी हजार्ड से। तो हमें इन हजार्ड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए।
अगर इन हजार्ड के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है तो हम जो है कि सभी खतरों को रोक सकते हैं, और उसमें जो है कि हम तीनों चीज़ों को हम सेफली बचा सकते हैं कि एम्प्लॉय को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसके बाद से है कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है कंपनी का उसको भी नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट हो उसको भी नुकसान ना हो। तो ये सभी हजार्ड्स को ध्यान में रखना चाहिए, और जो है कि इसमें क्या क्या खतरे हैं, ये कौन हजार्ड किस काम में आता है, तो उन खतरों से हमें निजात दिलाना एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होता है। तो मैंने ये जो टाइप ऑफ हजार्ड बताया, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और